नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नो प्रॉब्लम। दोस्तों आज बात करने वाले हैं Netflix की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली और सबसे लंबी वेब सीरीज ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक के बारे में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। इस वेब सीरीज की कहानी दोस्तों 2010 में लिखी पाइपर कर्मन की बुक ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक माई टाइम इन वोमेंस प्रिजन पे बेस्ड है और ये एक ट्रू बेस्ड स्टोरी है जो कि पाइपर कर्मन ने अपने 13 महीने के जेल में बिताए गए समय में लिखी हुई है और ये पूरी की पूरी वेब सीरीज आपको इसी पे बेस्ड मिलने वाली है। और इस वेब सीरीज के अभी तक 7 सीजन आ चुके हैं और हर एक सीजन में 13 एपिसोड है जिसका हर एक एपिसोड लगभग आपको 55 से 60 मिनट के एवरेज ड्यूरेशन का मिलेगा। इसीलिए मैं बोल रहा था दोस्तों कि ये नेटफ्लिक्स की सबसे लंबी वेब सीरीज है। जिंदगी इम्तिहान लेती है और अगर फैसले गलत हो तो जिंदगी जीना ही एक सजा बन जाती है। ओ भाई कई भैंस पानी में। इस वेब सीरीज को IMDb ने रेटिंग दी है दोस्तों 8.1 आउट ऑफ 10 में से। इस वेब सीरीज को किन लोगों को देखना चाहिए ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग एक्शन मूवी, हॉरर मूवी, एडवेंचर्स मूवी को बार बार देखकर थक चुके हैं तो ये वेब सीरीज उनके पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्कुल बदलने वाली है। क्योंकि इस वेब सीरीज के अंदर आपको जो कॉमेडी मिलने वाली है, ड्रामा मिलने वाला है, वो कहीं और पर आपको नहीं मिलने वाला। और जैसे जैसे आप इस वेब सीरीज का सीजन दर सीजन को देखते जाएंगे कि आप इसमें अपने आप को एंगेज कर पाएंगे और आप एक करेक्टर्स के रूप में आप अपने आप को इसमें देखेंगे। मैं हाल ही में सरकारी जेल से रिहा हुई हूँ और अब फिर से जिंदगी शुरू कर रही हूँ। आप यही मेरी जिंदगी है। एक बार इस हथियार को ठीक से देख लो। तुम्हें तो हथियार को छूना मना है ना? क्या बात है, ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। अपने बीते हुए कल को भूलकर आने वाले कल पर ध्यान दो। ऐसा क्या है जो तुम दिल से चाहती हो? आइसक्रीम, इंसाफ भी। मैंने तुम्हें हंसते हुए कभी नहीं देखा है। बहुत अजीब लग रहा है। जिंदगी ऐसे चौराहे पे ले आती है जहाँ समझ नहीं आता जाए तो जाए कहाँ। खुद को अकेला मत समझना। तो क्या तुम मेरे साथ हो? हार मानना हमारी फितरत नहीं। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। हमें अपने जवाब खुद ढूंढने होंगे। आगे बढ़ने के लिए डर को पीछे छोड़ना बहुत जरूरी है। किसी किताब में पढ़ा था। जिंदगी हमें दूसरा मौका दे रही है। शायद यही होने वाली सुबह की शुरुआत है। ओके, ऑलराइट। आ जा यार। रुको, ये है एक स्पेशल चिकन, एक जादुई चिकन। हे, नो स्पॉइलर्स। और हाँ दोस्तों, इस वेब सीरीज की जो सबसे खास बात मेरे को लगी है वो लगी है इसमें एक्टिंग्स और जो डायरेक्टर्स का जो स्टोरी दिखाने का तरीका है वो भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। और इसके जो डायलॉग्स हैं वो भी मस्त हैं। और ये स्टोरी दोस्तों अगर आप देखते हैं तो आप इसके साथ न सिर्फ मेंटली बल्कि इमोशनली भी अटैचमेंट हो जाते हैं इस पूरी वेब सीरीज से। और आप 7 सीजन बिल्कुल एक साथ देखने का मन करने लगेगा। मेरे साथ तो ये हुआ है, आप बता सकते हैं कि आपके साथ ये होगा या नहीं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने इस वेब सीरीज के 7 सीजन देख लिए हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा करेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद था इस वेब सीरीज में। अगर आपको डाउनलोडिंग ऑप्शन चाहिए इस वेब सीरीज के लिए 7 सीजन के लिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं एक अन्य वीडियो आपके लिए बना सकता हूँ। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।